पूर्णिया जिला के अंदर में एक गांव है, गांव का नाम नहीं लेंगे, गांव का नाम नहीं लेंगे, मरने वाला मर गया, हम लोग दुआ करें अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार सूदी कारोबार, 1000 बीघा जमीन का मालिक, उसके दरवाजे पे ना कोई मदरसा वाला आता था, ना कोई मस्जिद वाला चंदा लेने आता था, ना कोई फकीर आता था। कहा इसलिए नहीं आता था कि वो पहले गाली भी देता था, मार के धक्का मार के निकाल भी देता था। तो कोई मांगने वाला आता तो पहले दरवाजा खोल के देखा बुढ़वा बैठा हुआ 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोले बेटा छे तब जाता था, नाखून काट रहा था, उंगली कट गई थोड़ी सी, दर्द शुरू हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया मेडिकल में, बोला कि देख नहीं मी नाखून कटिया नू और काटते काटते मोर उंगली कटे गई है, बहुत दर्द करो, कोई टेबलेट देते। मेडिकल वाला ने टेबलेट दे दी, आराम नहीं मिला, पूरी रात बेचैन। सुबह हुआ पूर्णिया गया, उंगली फूल गई। ओ पूर्णिया में डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्फेक्शन फैले गई है, उंगली कटवा है, बोला काटे दे, उंगली कट गई। पट्टी उट्टी बांध करके घर आया, दवाई लाया, आराम नहीं, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाने अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन हो गया। एक हफ्ते बाद पूर्णिया गया, बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहाँ से हाथ काटना होगा, बोला जल्दी काट, यहाँ से काट दी। वहां से आया पट्टी उट्टी करके, आराम नहीं, तो लोगों ने मशवरा दिया कि सुननी ये बोरो बीमारी से ती बम्बे जा, जहाज पकड़ा बम्बई चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, ईशान से हाथ कटवा है, बोला काटे, बम्बई से आया आराम नहीं, हाँ हाँ आराम नहीं। आखिर वो भी वक्त आया, मौत आ गई, कब्र बनाने वाले चले गए कब्रिस्तान, कब्र बन के तैयार है, एक बैग जमीन हिली, ऐसा लगा जलजला आया, जमीन हिली, कब्र बराबर हो गई, मिट्टी बराबर। ये क्या भाई, तो कब्र बनाने वाले कुछ लोग भाग गए, फिर उसको बुला के लिया कि भाई है, बोले मैं कब्र बनिया ना पूरा तैयार है गई, वो हर बात की है मिट्टी बराबर है, बोला वो जो बनाता टाइट मिट्टी है वहां बनाई गई, फिर वहां जब कब्र बन के तैयार हुई फिर मिट्टी बराबर, 3 जगह कब्र बनाई गई। तो आलिम साहब से किसी ने पूछा, उसका बेटे ने पूछा कि आलिम साहब बताइए अब हम लोग क्या करें, 3 कब्र बना लिए, तीनों कब्रें मिट्टी बराबर हो गई। तो आलिम साहब जानते थे, तो आलिम साहब ने कहा सुनो यहां एक गड्ढा खोरे अपना बाप को बाहर दफने दे, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र बनाओगे इसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे में नहीं हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र में नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह है, ये दुनिया में जन्नत में जाने वाले टिकट बनाने की जरूरत है। इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि जहां हमेशा हमेशा रहना है, मरने के बाद फिर इस दुनिया में नहीं आना, इस दुनिया में नहीं आना। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने दुनिया नहीं है, यही इबरत की जा है तमाशा नहीं है, खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत में जन्नत में महल बनाने वाला या अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाइए मुझे 5 आदमी चाहिए, जन्नत में महल बनाओगे आमी अपना जुन्न दस्ट दुआ करबो, कतो दुआ करबो बोलूं, अरे कितना दुआ करेंगे बोले 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदे से, तुम मुझसे मांगो हम तुम्हारी झोलियों को भर देंगे, रहमतों से बरकतों से मालोमाल कर देंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, है कोई पहला सखी जो इसमें दोहरा सवा मिलेगा? अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना लिया, आपने नियत कर लिया कि ये चंदा हम अपने माँ बाप के नाम पर दे रहे हैं, तो जैसे ही आपने नियत कर ली जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और
और अल्लाह ने जो वादा किया अपने बंदे से जन्नत में महल देने का, आपका आपका वो महल तैयार है, अल्लाह उसकी चाबी आपके हाथों में थमा देगा। मेरा बंदा, दुनिया में मेरा घर बनाया था, मेरा घर बनाया था, ये ले तुम्हारे लिए मैंने उसके बदले आलीशान महल तैयार कर रखा है, आपके हाथों में चाबी होगी। है कोई ऐसा पहला सखी? इंशाल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 लाख से हम शुरू नहीं करेंगे, 10,000 रुपए देने वाला पहला सखी कोई तैयार है अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से इस मस्जिद के अंदर? इनके घर से 1,20,000 रुपए तावुन इस मस्जिद के अंदर में हुआ है। कुर्बान जाइए, मैं आपको क्या बताऊं, ये भगाल की सरजमीन है, एक से एक दिल वाले, एक से एक सखी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला इस सखी की सखावत को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेतों खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा, इनके मरहूमिन मरहूमात को करवट करवट जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के नाम पर 25 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वालों ने ताउन किया है। अल्लाह मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दो आदमी हुए, तीसरा कोई सखी है इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, तीसरा कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, तीसरा कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का चहिता बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इंशाल्लाह आज हम अपने माँ बाप के नाम पर 10-20-50,000 रुपए हम देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के साले सवाब के लिए, उनके मरहूम अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के साले सवाब के लिए 10,000 रुपये, माशाल्लाह, मरहूम अल्लामुल ज़फ़र साहब के इसालो सवाब की नियत से उनके घर वालों ने माशाल्लाह 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह कत जन हो लो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहूम क्या रकम बोले, अब्दुल जलील साहब की उनकी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों ने ताउन किया है 8,000 रुपये, अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमा दे। अच्छा भाई, ये भाई 4 लोग हो गए, पांचवां कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपये देने वाला, देखिए इतना बड़ा मजमा है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, आप 500 रुपये चेयरमैन भगा लो। क्या नाम है? माशाल्लाह, देखिए हमारे जनाब परवेज़ आलम साहब जो चेयरमैन हैं भगाल के, वाली साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, अल्लाह मरतबे में बरकत अता फरमा, अल्लाह उनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह कत जन हो लो, 5 जन, अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3-3 कितना हुआ, अल्लाह ज़मीन व आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई एक और सखी तैयार है इंशाल्लाह, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपये इस मस्जिद में चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपनी दौलत से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, छठे नंबर पर कोई एक अल्लाह का चहिता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा इंशाल्लाह खड़े हो जाए मजमे के अंदर में। देखिए ऑप्शन है, अगर नकद उनके मरहूमिन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, 8 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट की कीमत, ये देखिए आ गया नौजवान, लीजिए
माशाल्लाह माशाल्लाह मरहूम सिद्दीक साहब के नाम पर 5,000 रुपये, जांगीर साहब 3,000 रुपया, मुखिया अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे मुखिया जहांगीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बलवा बस्ता के, उन्होंने 3,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत और फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, अल्लाह कबूल करे। जुबैर साहब के लिए उनका साहबजादा 10,000 रुपये, माशाल्लाह मरहूम जुबैर साहब के नाम पर उनके साहबजादे ने 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह अल्लाह देने वाले की इस ताउन को दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी कमाई में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में बरकत दे, अल्लाह उनके मरहूम वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह कत जन होलो, 6 जन होलो, अरे 6 जन होलो, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7, 1 जन और चाहिए, एक बस ये 7वां इंसान कोई है, कोई सखी है जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने वाला, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नूर मोहम्मद की बिन मोहसिन 10,000 रुपये, ये देखिए, नारे तकबीर नारे तकबीर, ये नूर मोहम्मद साहब माशाल्लाह इन्होंने 10,000 रुपये ताउन करे हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में ईमान अमल में खैर में खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिद और वालदान वालदेन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन आमीन। कौन तो जन होलो? सद्दाम बिन मुशफिक 15,000 रुपये, माशाल्लाह, ये सद्दाम बिन मुशफिक 15,000 रुपये, माशाल्लाह। ए कतो जन होलो? 8 जन हो गए, 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। एक बात याद रखिएगा, बखील जे बखील छे वो जन्नत नहीं जावे, बखील जन्नत में, ये हम नहीं करें, हुजूर की हदीस है, बखील जन्नत नहीं जावे। अच्छा बखील जाने ना अपना रहा, यहाँ 4 क्वालिटी छे, कैटा क्वालिटी छे बोलें तो गिनती करूँ, बखील कते भेल? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, इस सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नतोत नहीं जावे, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो बखील है वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है, और जो सखी है जिसका हाथ खुला हुआ है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोला झमेले खत्म है। मुखिया हाफिज तौकीर आलम साहब 5,000 रुपये, माशाल्लाह। वो मुखिया जनाब मोहम्मद तौकीर आलम साहब हाफिज तौकीर, देखिए ये कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह तौकीर साहब दामद बरकात हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये ताउन करे हैं, अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इस हाफिज कुरान के सीने को और कुशादा फरमा दे, इल्म नाफी अता फरमा दे, अल्लाह उनके भी वालदेन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। मरहूम नज़ीर हसन के नाम से 2,000 रुपये, माशाल्लाह। मरहूम नज़ीर हसन साहब के नाम पर उनके घर वालों ने माशाल्लाह ये 2,000 रुपये ताउन करे हैं, अल्लाह मरहूम को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले के घर में उम्र में कमाई में रोजी रोजी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। हाँ हमारी माँ बहनें, अच्छा हमारी माँ बहनें भी आई हैं, मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मेरी गुजारिश है कि तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है, मेरी माँ बहनों और कुर्बान जाओ, तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोले ती ताउन करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी तुम्हार जुन्ने भी दुआ करे देवो, अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज़ा बना देगा, अल्लाह तेरे बेटों को आलिम बना देगा, अपने शोहर के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। माशाल्लाह मोईज अनवर साहब अपने वालिद मरहूम के सालो सवाब की नियत से 10 बोरी सीमेंट टेंट वाले हैं जो उन्होंने ताउन किया है, अल्लाह अल्लाह उनके वालदेन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, माशाल्लाह। मरहूम राशिद के नाम पर 5,000 रुपये, नारे तकबीर, अल्लाह कबूल फरमाए, मरहूम राशिद को अल्लाह करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, देने वाले की रोटी रोजी में कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे।